हर एक रिलीजन में कोई एक ऐसा तबका होता है जिनके वजह से सारे के सारा रिलीजन बदनाम होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते ही है। और आई होप विवेक सर ये चीज बहुत ही अच्छी तरह से इस पर्टिकुलर मूवी में बताए और मुझे उन पर भरोसा है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स मूवी ट्रेलर की, जिसे देखने के बाद लिटरली गूज़बम्प्स आ गए। आपको नजर नहीं आएगा लेकिन जो चीज मैंने फील की इस ट्रेलर को देखने के बाद, मेरे आंखों में आंसू थे और दिल पूरी तरह से टूट गया। और वो विजुअल्स आंखों के सामने आ रहे थे। हालांकि 1990 में मैं कश्मीर में तो नहीं था, ना ही मुझे उस वक्त पता था कि इनके साथ क्या चल रहा, क्योंकि मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन जब मैंने हिस्ट्री में पढ़ा तो काफी कुछ मुझे भी दर्द फील हुआ। लेकिन उस इंसिडेंट पे, वो जेनोसाइड पर, इस पर्टिकुलर मूवी के ट्रेलर को देखकर रोंगटे खड़े हो गए भाई। और विवेक सर उन डायरेक्टर्स में से एक है जो सच्चाई बहुत ही बेबाकी से, बिंदास तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और ये परफेक्ट एग्जांपल है उनकी मूवी द टैशकेन फाइल का। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो भाई जाके जरूर देखना। और उसके बाद से मुझे समझ में आ गया था कि विवेक सर एक ऐसे डायरेक्टर है जिनके अंदर करेज है चीज़ों को बताने का, और वो सेंसिबल इंसान है, उनको सेंस है कि वो बता क्या रहे और उस चीज़ को किस तरह से बताते हैं, वो बहुत ही लाजवाब होता है। हैट्स ऑफ बोलूँगा उसके। अलावा ट्रेलर को अगर आप लोग देखो तो एक्टर्स एक से बढ़कर एक है जिन्होंने पूरी अपनी जान लगा दी पर्दे पर। मतलब उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले नहीं किया, ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों को प्ले किया। वो एक पता नहीं ऑटोमेटिक जो उनके अंदर की एनर्जी मैंने फील की है ट्रेलर में ना, लिटरली नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस सारे एक्टर्स का, और डायरेक्टर को भी इंक्लूड कर दो भाई, क्योंकि ये मूवी वाकई में बहुत ही ज़्यादा फाड़ू होने वाली है। और हिम्मत चाहिए यार, फिर से बोल रहा, हिम्मत चाहिए स्क्रीन पर चीज़ों को रियल बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में डायरेक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो ऐसे इंसिडेंट पे मूवीज बना चुके हैं लेकिन किस तरह से बनाए थे वो तो आपको पता है, लेकिन रियलिटी बहुत कम दिखाते हैं। और इस ट्रेलर में अगर आप लोग नोटिस किया होगा तो सिनेमेटोग्राफी, मैं ड्रोन शॉट की बात नहीं कर रहा, मैं कश्मीर की खूबसूरती की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसा भी एंगल है कश्मीर का, डार्क साइड, जो कि आप इसके सिनेमेटोग्राफी से साफ महसूस करोगे। और कैरेक्टर्स के फेस पे जो क्लोजअप लिए हैं, जो उनके एक्सप्रेशन है, मतलब ट्रेलर अपने आप में लिटरली फायर है। और अगर आप लोगों ने डायलॉग्स पर गौर किया तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग डायलॉग्स है, स्पेशली आज़ादी को लेकर। और मैंने एक इंटरव्यू में विवेक सर को खुद बोलते हुए सुना था कि अगली बार कोई आज़ादी बोलेगा इस पर्टिकुलर मूवी को रिलीज होने के बाद तो उसको जूते पड़ेंगे। अब मुझे नहीं पता कि क्या पढ़ेंगे क्या होगा। वैसे एक सच्चाई तो मैं भी बताना चाहूँगा कि जब ये जेनोसाइड हुआ था, हालांकि मैं फिर से बोलूँ कि मैं उस वक्त तो वहाँ पर था नहीं, मैंने भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे पढ़ा हो और इंटरव्यूज़ भी देखे हैं जहाँ पर ये साफ समझ में आता है कि जब हिंदुओं पर हमला किया जा रहा था तो बहुत सारे ऐसे कश्मीरी मुसलमान थे जिन्होंने उन हिंदू भाइयों बहनों को बचाया था, और उनके बचाने की वजह से बहुत सारे लोग बचे भी थे, और उनको बचाते बचाते बहुत सारे ऐसे कश्मीरी मुस्लिम्स की डेथ भी हुई थी। तो आई होप विवेक सर हमें ये सारी चीज़ें भी इस मूवी में दिखाए, और अगर ऐसा वो करते तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। ये ट्रेलर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उन ऑडियंस में से एक हूँ जो इसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे। अब आप लोग को क्या लगता है इस ट्रेलर को देखने के बाद वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये मूवी में किस हद तक सच्चाई बताई गई है या जो भी है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका ओपिनियन क्या है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।